कल्चर इंस्टीट्यूट नवलगढ़ रोड सीकर, मैं अशोक यादव। दोस्तों, आपने पिछला जो वीडियो देखा था उसमें हॉर्टिकल्चर का ही था, उसमें था बाग लगाने की विधियाँ, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। उसमें दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखा जाता है। आज अपना टॉपिक होगा फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। यहाँ से भी एग्ज़ाम्स में अपने को क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोस्टली अपनी फोर टाइप्स, चार प्रकार के अपन फलों का जो वर्गीकरण है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फलों का वर्गीकरण। उसमें जो नंबर वन क्लासिफिकेशन है वो है जलवायु के आधार पे फलों का वर्गीकरण। किसके आधार पे? जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण, अपनी जो क्लाइमेट है उसके आधार पे फलों का वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों तीन प्रकार से किया गया है इसमें। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से, उष्ण, उपोष्ण व शीतोष्ण। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से, कौन से फल किस क्लाइमेट के अंतर्गत सर्वाधिक होते हैं या उसकी मोस्टली कौन सी क्लाइमेट होती है। सबसे पहले मैं बात करूँ उष्ण, उष्ण में ट्रॉपिकल कौन सी आती है दोस्तों? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो जलवायु है जहाँ अधिक आर्द्रता होती है और टेम्परेचर भी अधिक होता है, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे जो फल पाए जाते हैं या उसका प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आम है, आम की जो मुख्य जलवायु है कौन सी है? उष्ण है। केला है, पपीता है, कटहल है, चीकू है, देन आपकी काजू है, वो भी इसी क्लाइमेट के अंतर्गत आती। मोस्टली दोस्तों यहाँ से जो तीन फल फ्रूट हैं इनकी क्लाइमेट पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर कि आम की जलवायु कैसी है, उष्ण का है, उपोष्ण का है, शीतोष्ण का है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आम, केला, पपीता ये सबसे ज़्यादा अपने साउथ इंडिया के अंतर्गत होते हैं और वहाँ की जो मोस्टली जो जलवायु होती है वो कैसी है? उष्ण, ट्रॉपिकल जलवायु होती है दोस्तों। और यहाँ से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर टू पे जो आपकी क्लाइमेट है वो शीतोष्ण है। शीतोष्ण यानी जो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जो फल होते हैं, ठंडे प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसका होता है। शीतोष्ण में यहाँ यहाँ कौन कौन से फल होते हैं? जैसे सेब है, नाशपाती है, सेब, नाशपाती, बादाम, देन स्ट्रॉबेरी भी यहीं पे होती है दोस्तों। इस प्रकार के जो फल है यहाँ सबसे ज़्यादा इन दो की जलवायु पूछी जाती है। निम्न में से सेब की जलवायु कैसी है या किस जलवायु का पौधा है? शीतोष्ण जलवायु का। नाशपाती निम्न में से किस जलवायु का पौधा है? शीतोष्ण जलवायु का। या फिर यूँ पूछा जा सकता है निम्न में से शीतोष्ण जलवायु का पौधा है या फल है। तो शीतोष्ण जलवायु का जो फल होता है वो नाशपाती, सेब है, बादाम है, स्ट्रॉबेरी है। मोस्टली जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उन्हीं के बारे में मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। नंबर थर्ड पे जो आपकी आती है दोस्तों उपोषण आती है। उपोषण यहाँ अपने राजस्थान की जो राजस्थान के आसपास की जो क्लाइमेट होती है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट होती है दोस्तों, ये टेम्परेट होती है सब ट्रॉपिकल। उपोषण का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है दोस्तों वो अपने यहाँ राजस्थान के आसपास में, यहाँ जो अपना फ्रूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो उस उन फ्रूट क्रॉप्स की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? उपोषण होती है। यहाँ अपने राजस्थान के या आसपास में जो सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बेर है, आंवला है, न यहाँ ठंडा न ज़्यादा गर्म, दोनों में से मिलती जुलती जो जलवायु होती है उपोषण के अंतर्गत जाती है। बेर है, आंवला है, अंगूर है, बील है, फालसा है, देन नींबू वर्गीय फल है, नींबू वर्गीय में माल्टा है, केनू है, नींबू है, इस प्रकार के जो फल है वो यहाँ सर्वाधिक देखने को, अमरूद है,
अमरूद अपनी इस जलवायु में भी होता है, उष्ण जलवायु में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देता है वो उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत देता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका सेब है, नाशपाती है, आम, केला व पपीता, इन चार की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। नारियल भी एक उष्ण जलवायु का फल है। किसका है? उष्ण जलवायु का फल है। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अपने यहाँ राजस्थान में बेर का प्रोडक्शन अच्छा होता है, अंगूर का होता है, आंवले का होता है, बील का, फालसा, नींबू, रोगी, अमरूद, इस प्रकार के जो फल होते हैं उसका प्रोडक्शन अपने राजस्थान में ज़्यादा होता है। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है? उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं। बाकी जैसे मैं बात करूँ ठंडे प्रदेश में सेब, नाशपाती है, बादाम है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह के जो फल होते हैं वो ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, शीतोष्ण जलवायु के होते हैं। आम है, केला है, पपीता है, नारियल है, काजू है, चीकू है, ये जो जितने भी हैं वो उष्ण जलवायु के फल होते हैं और उन्हीं क्लाइमेट में अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। अपना जो नंबर वन क्लासिफिकेशन था वो जलवायु के आधार पे था। दूसरा है फलों के पकने के आधार पे। दोस्तों कौन सा है? फलों के पकने के आधार पे। फलों के पकने के आधार पे ये देखते हैं। फलों के पकने के आधार पे कि फल पकने की प्रकृति दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक क्लाइमेट्रिक होती है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक होती है। क्लाइमेट्रिक किसे कहेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक किसे कहेंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं दोस्तों जो तुड़ाई के बाद भी पकते रहते हैं, यानी पौधे से अपने तुड़ाई की, पौधों से इस प्रकार के फल, इस प्रकार के फल पौधों से तुड़ाई के, प्लांट से अपने उसकी क्या कर ली, तुड़ाई कर ली, पौधों से तुड़ाई के बाद भी पकते रहते हैं। पकते रहते हैं जैसे मैं फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जो कई बार कच्चे फ्रूट्स होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और येलोपन नहीं आता, उसमें मीठापन नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन उसकी तुड़ाई कर लेते हैं, कुछ दिन उसको अपन रख लेते हैं या ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, लंबी दूरी तय करवाते हैं, तो उसके बाद में उसमें मीठापन आ जाता है, वो सब क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आम, केला, पपीता, चीकू, सेब, मोस्टली यही एग्जाम्स में अपने को देखने को मिलते हैं। अब अपन इनको याद कैसे रखेंगे कि ये क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? इस जो फ्रूट्स होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के अंदर जिंक तत्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? जिंक पाया जाता है, जिंक तत्व पाया जाता है, इसी के कारण ये तुड़ाई के बाद भी पकते रहते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ थोड़े बचपन की, आ जाते हैं अपन आम, केला, पपीता, चीकू, सेब, यानी इनको तुड़ाई के बाद एक क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, उसको एक जगह पे अपन रख देते हैं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है, उसमें मीठापन आना स्वाभाविक बात हो जाती है। इतने भी जितने भी तुड़ाई के बाद मीठापन आता है जिन फ्रूट्स के अंदर, वो सभी के सभी किस में जाते हैं? क्लाइमेट्रिक। और जिन फ्रूट्स के अंदर तुड़ाई के बाद मीठापन नहीं आता, यानी उसमें फीकापन आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वो सब नॉन क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत जाते हैं। इनको अपन याद कैसे रखेंगे? थोड़े बचपन में अपन जाते हैं तो कई बार अपने पेरेंट्स कैरी लेके आते थे, इसको अपन कहीं छुपा के रख देते थे, तो स्वतः ही वो दो दिन बाद में उसमें मीठापन आ जाता था। पहले कैरी खट्टी होती थी, उसके बाद में मीठापन आ जाता है, यानी आपने उसको क्या दिया? क्लाइमेट दिया। क्या दिया? क्लाइमेट। वो कैरी से आम बन गया। मार्केट में अपन देखते हैं कच्चे केले आते हैं, उसको अपन रख लेते हैं एक दिन, तो नेक्स्ट डे उसमें क्या हो जाता है कि उसमें मीठापन आ जाता है, टेस्टी बढ़ जाते हैं। पपीता की भी सेम कंडीशन ये होती है। चीकू भी अपन देखते हैं कुछ मार्केट में रहते हैं, हार्डनेस आते हैं, वो खाने में स्वादिष्ट नहीं होते, टेस्टी नहीं होते, उसको अपन दो दिन रख लेते हैं, तो रखने के बाद में स्वतः ही उसमें क्या आ जाता है? मीठापन आ जाता है। सेम कंडीशन ये जितने भी फ्रूट ट्रांसपोर्ट होकर लंबी दूरी तय करके आते हैं वो सब लगभग क्या होते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। और जो तुड़ाई के तुरंत बाद में अपन उपयोग कर लेते हैं वो सब के सब किस में जाते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत जाते हैं। जो फलों के पकने के आधार पे दूसरा वर्गीकरण है वो नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन यानी नहीं, जिसको क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, सीधे ही तुड़ाई के बाद में उपयोग कर लिया जाता है, या इस प्रकार के फल जो तुड़ाई के बाद पकते नहीं हैं, पौधों से तुड़ाई के बाद पकते नहीं हैं, इस प्रकार के फल तुड़ाई के बाद
पकते नहीं हैं, यानी उसमें मीठापन नहीं आता, पकते नहीं हैं, मीठापन नहीं आता है, इसमें जिंक नहीं पाया जाता, यूँ कह सकता हूँ जिंक नहीं पाया जाता, जिंक नहीं पाया जाता है। किस कौन कौन से फल हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ तो अंगूर है, नींबू वर्गीय जितनी भी हैं, नींबू है, संतरा है, माल्टा है, किन्नो है, बेर है, आंवला है, एटसेट्रा, ये जितने भी फ्रूट्स हैं, फालसा है, ये सब के सब नॉन क्लाइमेट्रिक फलों के अंतर्गत आते हैं, यानी इनको अपन प्लांट से तुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में ये कभी नहीं पकते हैं। यानी मैं बात करूँ नींबू की, जैसे नींबू आपने तुड़ाई कर लिया, उसके बाद में उसमें तुड़ाई करते हैं, उसमें रस भी ज़्यादा होता है, टेस्ट भी ज़्यादा होता है, सिट्रस फ्रूट है तो उसमें एसिड जैसा अपने को एहसास होता है, देन उसको अपन दो दिन रख लेते हैं, रखने के बाद में जैसे जैसे उसमें फीकापन आना शुरू हो जाता है और वो वहाँ से ड्राई होना शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन किस में होती है, बेर, जैसे ताज़ा फलों को अपन तुड़ाई करके खाते हैं, बेर पूर्ण पके होते हैं, उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है, कच्चे फलों की तुड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद में कभी वो पकते नहीं है, जिस कंडीशन में वहाँ से वो धीरे 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 उसमें मीठापन है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसको नॉन क्लाइमेटिक कहते हैं, नहीं तुड़ाई के बाद में वो कभी पकते नहीं हैं। और जो तुड़ाई के बाद में पकना पकते रहते हैं, धीरे धीरे उसमें मीठापन आता रहता है, वो सब किस में जाते हैं, क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे आम है, केला, पपीता, चीकू, सेब, यह सब क्लाइमेट्रिक है। इसके अलावा जो लगभग बच के फ्रूट है, जैसे अंगूर है, नींबू है, संतरा, माल्टा, किन्नो, बेर, आंवला, फालसा, ये सब के सब क्या है, आपके नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं। दोस्तों अपन ने जो दो क्लासिफिकेशन देखे फलों के, और उसके बाद में अपन देखेंगे दो और हैं, पहला अपन जलवायु के आधार पे देखा था, दूसरा अपन ने देखा था पकने के आधार पे, तीसरा अपन देखेंगे फ्रूट टाइप, फलों के प्रकार के आधार पे, यानी फल का प्रकार क्या कहलाता है, सरस है, बेरी है, या पेपर है, पोम है, थैलेमस है, सीजोकार्प, इस प्रकार जो क्लासिफिकेशन है कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो नंबर थ्री है फलों के प्रकार के आधार पे, फलों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रूट के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों इसमें जो अपने फल होते हैं, जैसे आम, केला, पपीता, नारियल, देन में बात करूं अमरूद है, नींबू है, अनार है, आपके इनके फल का प्रकार क्या कहलाता है, यानी टाइप्स ऑफ फ्रूट कई बार सिंपली पूछ लिया जाता है, आम के फल का प्रकार कहलाता है एस्टिल है, या फिर आपका सरस है, या प्लेसेंटा, एरिल, ब्लास्टा, जो भी है, इस प्रकार से आपको चार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं ऑप्शन। तो देखते हैं सबसे पहले जो आता है वो अपन देखते हैं सरस, कौन सा सरस, जिसे अपन बेरी कहते हैं, सरस या बेरी, फल के प्रकार कौन कौन से फ्रूट्स के होते हैं सरस या बेरी। दोस्तों इसको याद रखने के लिए, सबसे ज़्यादा याद रखने के लिए एक देसी तरीका अपने पास है, मैं कह सकता हूँ लोकल लैंग्वेज में, जिसमें नंबर ऑफ सीड अधिक होते हैं वो सरस या बेरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बीजों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सरस या बेरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले केला लूंगा दोस्तों, क्या लूंगा, केला, केले में आपने कभी सीड नहीं देखे लेकिन इसमें सीड सबसे ज़्यादा होते हैं, 1, 2, 3, 1 से 1 से अधिक होते हैं जिसमें, वो सब के सब किस में होते हैं, सरस या बेरी के अंतर्गत आते हैं। फिर मैं बात करूं पपीता, इसका फल का प्रकार क्या होगा, सरस या बेरी होगा। उसके बाद में अंगूर, अमरूद, अमरूद नहीं लेंगे दोस्तों, अमरूद का जो फल का प्रकार होगा अमरूद इसी में आएगा, सॉरी अमरूद, केला है, पपीता है, अंगूर है, अमरूद है, देन आपका टमाटर, मिर्च, बैंगन, इस प्रकार के जो फल होते हैं वो सबके सब किस पर, उनका फ्रूट का प्रकार क्या होता है, सरस या बेरी होता है। केले में भी 1 से अधिक बीज होते हैं, पपीता में भी होते हैं, अंगूर में भी होते हैं, अमरूद में भी होते हैं, टमाटर, मिर्च, बैंगन, इन सभी में नंबर ऑफ सीड अधिक होते हैं, 1 से अधिक होते हैं, तो इसको देखते हैं अपन सरस या बेरी कहते हैं।
देखो दोस्तों एक फिर आ जाता आपका अनार आ जाता, तो उसमें भी अपन नंबर ऑफ सीड की बात करें तो सर उसमें नंबर ऑफ सीड काफ़ी होते हैं, तो नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होते हैं तो उनको अपन क्या कहेंगे। अनार का फल का प्रकार अलग है, ब्लास्ट है दोस्तों, उसको अपन अलग याद रखेंगे। बाकी जितने भी फ्रूट है हमें जिसमें नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होते हैं वन मोर, तो उसमें जितने भी हैं वो सबके सब किस में चले जाते हैं, सरस या बेरी में चले जाते हैं। नंबर टू आता है अस्टील, अस्टील जिसे अपन क्या कहते हैं, ड्रूप या स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रूप या स्टोन, जिसके अंतर्गत सिंगल सीड होता है। क्या होता है, सिंगल सीड। सिंगल सीड का मतलब जिसमें एक ही गुट्टी पाई जाती है, वो सब के सब किस में आते हैं, अस्टील। जैसे आम, आम में क्या होता है, एक गुट्टी होती है। आम है, बेर है, बेर में भी एक गुट्टी होती है। खजूर है, खजूर में भी एक ही गुट्टी होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जिसके बाद मैं बात करूँ, नारियल है, नारियल में भी सिंगल ही आता है, नारियल है जिसमें सिंगल गुट्टी होती है, वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर आते हैं। आम, बेर, खजूर, नारियल। मैं बात करूँ यहाँ पे आंवला, आंवला सर उसमें भी सिंगल गुट्टी होती है, तो उसका फल का जो प्रकार जाएगा दोस्तों वो कैप्सूल में जाएगा। किस में जाएगा, कैप्सूल। कुछ अपवाद स्वरूप हैं उनको अपन अलग से देख लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था सरस व बेरी में, सरस व बेरी में ब्लास्टा एक आ जाता है, कौन सा, ब्लास्टा या ब्लूस्टा आ जाता है, ब्लूस्टा, वो होता है अनार का। किसका होता है, अनार का। अनार में भी नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होते हैं, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, टमाटर, बैंगन, मिर्च, इसमें भी नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होते हैं, तो अनार बचाता अपना। तो अनार का फल का प्रकार होता है ब्लास्टा। इसको अपन याद कैसे रखेंगे, जैसे अपन अनार खाते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो एक बम की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बम की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको अपन किस में लेके जाएंगे, ब्लास्टा के अंतर्गत लेके जाएंगे। किसको, अनार को। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों अनार के फल का प्रकार है वो क्या है, ब्लूस्टा या ब्लास्टा होता है। इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे आम आ गया, बेर आ गया, खजूर आ गया, नारियल आ गया, आंवला बचा। तो आंवले का जो फल का प्रकार है वो अलग ही होता है दोस्तों, कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल। आंवला इसके फल का प्रकार क्या होता है, कैप्सूल। आंवला है, भिंडी है, कपास है, रतनजोत है, तंबाकू है, इसके जो फल का प्रकार होता है दोस्तों वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल। आंवला सिंगल सीड होता है, तो हॉर्टिकल्चर में अपन चल रहे हैं फ्रूट क्रॉप्स के अंदर, तो आम, बेर, खजूर, नारियल सिंगल गुट्टी होती है इसके अंदर, तो उसका फल का प्रकार क्या हो गया, अस्टील व ड्रूप हो गया। इसके अलावा आंवला बचाता आपका, तो आंवले के अंदर फल का प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, कैप्सूल हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ सेब की, तो सेब के जो फल का प्रकार होता है पॉम। क्या होता है दोस्तों, पॉम सेब का फल का प्रकार होता है। पेपो, पेपो होता है जितनी भी आपकी कुकुरबिटेसी सब्जियां होती है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये जितने भी कुकुरबिटेसी जो वेजिटेबल्स होती हैं इनका जो फल का प्रकार क्या होता है, पेपो होता है। क्या होता है दोस्तों, पेपो। हेस्पेरिडियम किसका होता है, नींबू वर्गीय फलों का प्रकार होता है। किसका होता है, नींबू, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम किनका होता है, नींबू वर्गीय जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनका फल का प्रकार क्या होता है, हेस्पेरिडियम होता है। नींबू वर्गीय फलों का प्रकार क्या होता है, हेस्पेरिडियम होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इन्हीं से देखने को मिलता है। कैप्सूल किसके फल का प्रकार है, भिंडी है, आंवला है, कपास है, रतनजोत है, तंबाकू, इनके फल का प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है। अनार के फल का प्रकार होता है ब्लास्टा। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये भी पूछा गया है, सेब का पूछा गया, नींबू वर्गीय का पूछा गया। निम्न में से हेस्पेरिडियम फलों का प्रकार किसका होता है, नींबू वर्गीय फलों का होता है। आम के फल का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, अस्टील होता है दोस्तों। यहाँ से पपीता या केला के बारे में पूछा गया, उसका फल का प्रकार क्या होता है, सरसिया बेरी होता है दोस्तों। सीजोकार्प होता है फल का प्रकार, वो गाजर का होता है। किसका होता है, सीजोकार्प। सीजोकार्प किसको कहते हैं, गाजर के फल का जो प्रकार होता है वो सीजोकार्प होता है। क्या होता है दोस्तों, सीजोकार्प होता है। अरे एग्जाम की दृष्टि से यहीं से सबसे ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। नंबर फोर जो अपना वो वर्गीकरण है फलों का वो होता है दोस्तों खाने वाले भाग के आधार पर। कौन सा होता है, एडेबल जो पार्ट होता है, खाने वाला, खाने वाले भाग के आधार पे, के आधार पर वर्गीकरण दोस्तों। खाने वाले भाग के आधार पे जो अपन वर्गीकरण देखेंगे
वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट भी है और याद भी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे खाने वाले भाग के आधार पे, दोस्तों मैं इसको यहाँ देखता हूँ, तो खाने वाले भाग के आधार पे फलों का वर्गीकरण। अपन जो फ्रूट का कौन सा भाग खाते हैं, बाह्य भाग खाते हैं, मध्य भाग खाते हैं या अंत भाग खाते हैं या संपूर्ण फल को खाते हैं या इन्हीं में से किन्हीं दो को अपन खाते हैं, इसका जो अपन देखेंगे वर्गीकरण वो एक मैं मैंगो के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स सपोज ये आपका मैंगो आम, इसके तीन पार्ट्स होते हैं दोस्तों। अपन खाने वाले भाग के आधार पे जो सबसे ही अपने को कैलकुलेट करना है कि मैं वास्तव में कौन सा भाग खा रहा हूँ फल का, एक्चुअल में वो ही भाग उसका खाने वाला भाग हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ तो ये आम की क्या है, बाह्य भित्ति है, क्या है, बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, फल है तो फल की भित्ति हो जाएगी। इंग्लिश में इसको एक्सो बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, एक्सो, क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सो। देन इसके बाद में आम के अंदर मैं बात करूँ तो आम के अंदर गुट्टी होती है, सबसे अंदर अंदर वाला भाग क्या होता है, गुट्टी, जिसे स्टोन कहते हैं, तो इसको मैं बात कहूँ तो अंतः फल भित्ति कौन सी हो जाएगी, अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति यानी कि एंडोकार्प हो जाएगा, एंडो, अंदर वाले को अपन क्या कहते हैं, एंडो कहते हैं दोस्तों। और जो बीच में बच गया, बीच में जो अपन खाते हैं मोस्टली, न तो इसका छिलका खाते हैं न इसकी गुट्टी खाते हैं, अपन जो खाते हैं तो वो मध्य वाला भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं, अपन क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति या मध्य भित्ति अपन खाते हैं, इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं मीजो, क्या कहते हैं दोस्तों, मीजो। और इन्हीं सभी के एक्सो एंडो मीजो या एक्सो मीजो एंडो, इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, इन तीनों के आगे अपने लगेगा कार्प। एग्जाम से अपन देखने को इन्हीं से आधार, इन्हीं के आधार पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी भी फल का अपन जो भी भाग खाते हैं उसी के आधार पे उसका नामकरण हुआ है। जैसे मैं बात करूं आम की दोस्तों, आम के साथ अपन और भी देखेंगे, लेकिन आम का कौन सा भाग खाते हैं ये बताइए दोस्तों, आम का कौन सा भाग खाते हैं, क्या आप बाह्य फल भित्ति खाते, ऊपर वाला छिलका, नहीं खाते, क्या गुट्टी खाते हो, अंत फल भित्ति, नहीं खाते, दोनों नहीं खाते तो कौन सा खाते हो, मध्य फल भित्ति होती है, क्या खाते अपन, मध्य फल भित्ति, यानी मध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीजो कहते हैं, क्या कहते हैं, मीजो। और कार्प सभी के आगे लगेगा, एक्सो हो या मीजो या एंडो या आपका पेरी, पेरी भी देखेंगे अपन, लेकिन इनको तीन को समझते सबसे पहले। तो अपन मध्य फल भित्ति खाते हैं दोस्तों, तो मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प खाते हैं, क्या खाते हैं, मीजोकार्प। हिंदी में इसकी मैं बात करूं तो मध्य फल भित्ति कौन सा भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं आम की। आम के साथ में मैं बात करूं पपीता की, पपीता का क्या बाह्य छिलका खाते हैं अपन, नहीं खाते, क्या उसके सीड खाते हैं, नहीं खाते, तो क्या खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं, क्या खाते हैं, मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति खाते हैं। आम और पपीता के कौन सा भाग खाया जाता है, खाने वाला भाग है मीजोकार्प। बहुत बार एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता, नहीं मेरे में से आम का खाया जाने वाला भाग है मीजोकार्प है या फिर एक्सोकार्प, एंडोकार्प, देन पेरिकार्प, कौन सा भाग खाया जाता है अपन स्वयं कैलकुलेट करना, क्योंकि आम का अपन मध्य फल भित्ति खाते हैं यानी मीजोकार्प खाते हैं। देन मैं बात करूँ तो एंडोकार्प, नारियल, नारियल है उसका बाह्य भाग भी नहीं खाते, मध्य भाग भी नहीं खाते, अपन अंदर वाला भाग खाते हैं तो एंडोकार्प खाते हैं, क्या खाते हैं दोस्तों, एंडोकार्प यानी अंतः फल भित्ति खाते हैं, क्या खाते हैं, अंतः फल भित्ति खाते हैं। देन एक्सोकार्प, एक्सोकार्प अपन बहुत ही फलों का खाते हैं, एक्सो और मीजो दोनों को अपन संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पेरी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, पेरिकार्प या पेरी कहते हैं, यानी बाह्य और मध्य फल भित्ति जिसके अपन खाते हैं उसको अपन पेरी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरी। जैसे मैं बात करूं आंवला, आंवला का अपन गुट्टी छोड़ते हैं, अंदर वाला भाग छोड़ते हैं, बाह्य और मध्य दोनों खा जाते हैं। बेर की मैं बात करूं, बेर है तो उसका भी अपन क्या कहते हैं, बाह्य और मध्य दोनों खा जाते हैं, तो देखते हैं उसको अपन पेरिकार्प कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। देन इसके अलावा मैं बात करूं खाने वाले भाग के आधार पे, अनार है तो सर अपन उसका छिलका भी नहीं खाते हैं, अपन तो जो सीड आता है उसका जूस खाते हैं, तो जूस ही सीड कोट, अनार का खाया जाने वाला भाग, अनार का जो खाया जाने वाला भाग है जूसी सीड कोट, जूसी सीड, सीड के ऊपर जो कोट होता है वो ही अपन खाते हैं, जूसी सीड कोट या एरिल जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिल। अनार का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों, न तो बाह्य फल भित्ति खाते हैं न अंतः फल भित्ति खाते हैं,
सीड के ऊपर जो जूसी सीड कोट होता है उन्हीं को अपन खाते हैं। तो जूसी सीड कोट या एरिल खाने वाला जो भाग है वो कौन सा हो जाए, जूसी सीड कोट व एरिल हो जाता है। मैं बात करूं नींबू वर्गीय फलों की, तो नींबू वर्गीय फल जितने भी होते हैं उसका अपन एकोशिकीय रोम होते हैं। क्या होते हैं? एकोशिकीय रोम, उसको अपन खाते हैं। नींबू वर्गीय फलों को खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा है? एकोशिकीय रोम, एकोशिकीय रोम। इसमें एक वन सेल वाले रोम होते हैं उसको अपन यूज़ करते हैं, खाते हैं ना, उसका बाई भाग खाते हैं, उसका सीड खाते हैं, अंदर वाला भाग खाते हैं। उसमें ओनली जो सीड एकोशिकीय रोम होते हैं उन्हीं को अपन खाते हैं। तो ये दोस्तों खाने वाले भाग के आधार पे अपना वर्गीकरण हो गया। एक्सो, मीजो, एंडो, सबसे ज़्यादा आम का पूछा जाता है या किसी भी फल का आपका पूछा जाए तो अपने को उसको याद रखना है कौन सा भाग अपन खाते हैं। देखो, आम मध्य भाग मीजोकार्प सबसे ज़्यादा ये आता है, पपीता का भी मीजोकार्प खाते हैं, नारियल का एंडोकार्प खाते हैं, आंवला बेर है उसका पेरिकार्प खाते हैं, अनार का अपन क्या खाते हैं, जूसी सीड कोट या एरिल खाते हैं, नींबू रगी का एकोशिकीय रोम होता है। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों मैंने आपको बता दिए। खुद स्वयं कैलकुलेट करके इसको अपन आंसर दे सकते हैं, बड़ा इजी होता है। अपने फलों के वर्गीकरण था वो चार टाइप से था। पहला था अपना जलवायु के आधार पे, उष्ण उपोष्ण व शीतोष्ण जलवायु थी, वहाँ से भी पूछी जाती है। उसमें याद रखना नाशपति सेब शीतोष्ण जलवायु के, आम उष्ण जलवायु का। दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा अपना था टाइप्स ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार क्या है, फलों के प्रकार के आधार पे अपना ये देखो अपने सरस बेरी अस्टील, जिसमें नंबर ऑफ सीड सबसे ज़्यादा होते हैं वो सरस के अंदर जाते हैं, बेरी के जिसमें एक सीड होता है सिंगल वो किसमें जाता है अस्टील, जो नंबर ऑफ सीड ज़्यादा थे अनार में तो वो किस में चला गया, ब्लास्ट आया ब्लूस्टम, क्यों इसके जैसे अपन इसको खाने की कोशिश करते हैं काटते हैं डिवाइडेशन करते हैं तो बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट चला गया। इसके अलावा आंवला बचा था वो कैप्सूल में, सेब का है वो पेपोम है, पेपो कुकुरबिटेसी कुल के आ जाता है, हेस्पेरिडियम नींबू वर्गीय फलों का प्रकार आ जाता है, सीजोकार्प गाजर का आ जाता है। देन इसके अलावा मैंने बताया था आपका जो फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण, क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक, जिनको अपन तुड़ाई के बाद एक दो दिन बाद में अपन खाते हैं उसमें टेस्ट आता है, स्वादिष्ट आता है या मीठापन आता है वो सब क्लाइमेटिक में जाते हैं, और जिसमें फीकापन आना शुरू हो जाता है तुड़ाई के बाद में नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत जाते हैं। चौथा अपना था खाने वाले भाग के आधार पर, जिसका बाह्य भाग खाते हैं एक्सोकार्प, जिसका मध्य भाग खाते हैं मीजोकार्प, जिसका अंत भाग खाते हैं वो एंडोकार्प, यदि मध्य और एक्सो दोनों संपूर्ण रूप से खाते हैं तो उसको पेरिकार्प कहते हैं। जैसे सेब है अमरूद है उसका संपूर्ण भाग अपन खा जाते हैं, सेब व अमरूद का अपन संपूर्ण भाग खाते हैं तो उसको थैलेमस कहते हैं। सेब या अमरूद जिसको अपन संपूर्ण भाग खाते हैं कोई भाग अपन छोड़ते नहीं उसको थैलेमस कहते हैं। मांसल पुष्पासन, मांसल पुष्प का आसन होता है दोस्तों ये, उसको थैलेमस कहते हैं। सेब व अमरूद का खाने वाला भाग है थैलेमस। थैंक्स दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है।